हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट स्टार्ट। क्या बता रहा बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिक्स क्वेश्चन इज, इन फिगर 6.37 ट्राइंगल ए बी ई। देखो आप पहले हाईलाइट कर लिया करो, कभी भी ए बी ई दिस ट्राइंगल, ओके दिस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी ये वाला ट्राइंगल। ए सी डी आर कॉन्ग्रुएंट, दिस इज साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। सो वॉट डज इट मीन? दिस एंगल ए, एंगल ए इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी, एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट, एंगल ए will be congruent to angle A, angle B is congruent to angle C, angle E is congruent to angle D. This will be given, okay, in solution. And also the sides. Now side AB will be equals to side AC, right? AB will be equals to AC. BE will be equals to CD, BE will be equals to CD and AE will be equals to AD, AE will be equals to AD. This was given, okay. And what we have to prove? We have to prove triangle ADE, ADE, this one, this first triangle, okay, and ABC, this one, it is this greater one triangle, second triangle are similar. How to show these two triangles similar? कैसे show करोगे? देखो पहली बात, कभी भी कोई दो triangles को similar proof करना हो तो आपके पास में सिर्फ तीन ही similarity criteria है। कोई भी दो अगर बता दो angles तो AA criteria, दो angles equal है मतलब ये तीसरा भी equal ही होता है। फिर तीनों sides का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल बता दो, मतलब ये प्रोपोर्शनल बता दो, तो एक्सएसएस क्राइटेरिया वाले। एक तो साइड एंगल, साइड एक एंगल इक्वल बताओ और वो मतलब एक एंगल्स, एक एंगल, एक एक एंगल दोनों का सेम बताओ और वो एंगल जिस साइड से बने थे वो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल बता दो, तो ए एस ए टेस्ट से वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ये एक हमारे यहाँ आइडिया आता है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या दिखा है, ये जो इतना सारा गिवन था ना, इसमें ये जो दो ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल टू, इसमें सीधा सीधा फिगर से दिख रहा है एंगल ए दोनों में कॉमन है ना, और वैसे भी नाम से भी दिखता है, तो भाई एंगल ए और ये एंगल ए नाम में भी दिख रहा है एंगल ए, मतलब एक एंगल तो मिल गया, ठीक है। अब मतलब हम ये यूज नहीं करेंगे, पहली हिंट तो मिल गई, एक एंगल मिल गया, एक तो फिर अब ये, एक तो ये। अब साइड्स देखो, अब बाकी के दूसरे एंगल्स आप इक्वल बता सकते हो क्या, ये देखना है हमको। मतलब ये एंगल ट्राइंगल वन का ये वाला एंगल ए डी ई, डी शुड बी इक्वल टू बी आने को, देखो नाम है ना सेकंड है, सेकंड ये बी इक्वल आना चाहिए, ये नहीं बता सकते आप क्योंकि वैसा कुछ दिया नहीं ना, सही है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या बता देते, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इतना दिखा सकते थे, इससे ज्यादा तो नहीं बता सकते ना, ठीक है। अब ये सारा मिटा देता हूं मैं, तो गिवन हम लिख चुके हैं, हमको ये ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रो सिमिलर दिखाना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, देखो एंगल तो नहीं बन रहा मतलब, फिर ये भी गया, ऐसे आपको इलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब साइड्स का रेशियो आप दिखा सकते हो। साइड्स का रेशियो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल कौन सा है, ए है, यहां पर फिर से लिखता हूं, आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हाँ,
इक्वल है, मतलब आपको रेशियो किसका दिखाना है, ए डी अपॉन ए बी का। सही है, आपको प्रूफ क्या करना है, पहले वो लिख लो। एक हिंट मिलता है, ए डी अपॉन ए बी और दूसरी साइड एंगल ए की कौन सी है, ये वाली साइड है ना, ए ई अपॉन ए सी आना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स बोला हमने जिसने फॉर्म किया है, तो आया ए ई अपॉन ए सी। ये हमको प्रूफ करना है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो एक एंगल तो मिला हुआ है, कौन सा एंगल, ए इक्वल टू एंगल ए, ये वाला गिवन है ना। क्या होते पूरे इसको वन इक्वेशन दे दो तो वन यूज करके आप बता दो, सिर्फ हमको ये प्रूफ करना है। तो साइड एंगल साइड से हम डायरेक्टली प्रूफ कर देंगे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। अब कैसे करोगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसमें हमको दिमाग लगाना है। देखो क्या कर सकते हैं, गिवन में देखो हमको क्या बताना है, एडी आना चाहिए हमारे, जो हमने ये बोला है अभी, इसमें एडी और एई का यूज हुआ है, एबी और एसी का यूज है, तो जो गिवन दिया है उसी में कुछ ना कुछ हिंट होता है। देखो एडी और एई है हमारे पास, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर एडी इक्वल्स टू एई, मतलब हमारा न्यूमरेटर का काम हो चुका है। अब डिनोमिनेटर चाहिए, ए बी और ए सी भी है क्या, ये है देखो, है ना, ए बी इक्वल टू ए सी, इसको टू इक्वेशन देंगे, इसको थ्री इक्वेशन देंगे, ये तो गिवन ही है ना। जैसे अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दू इक्वेशन टू को इक्वेशन थ्री से, तो कुछ चेंजेस आने वाले क्या, नहीं हमको पता है। अगर ऐसे कोई दो इक्वेशन हो, ए इक्वल टू बी और सी इक्वल टू डी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं डिवाइड इक्वेशन वन बाय टू, और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी, ऐसा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हम यहां पर भी लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन थ्री, ना जस्ट राइट डिवाइड इट, सो व्हाट आई विल गेट, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर फोर, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन दिस वन एंड इक्वेशन नंबर फोर, व्हाट यू कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर फोर, ट्राइंगल ए डी ई विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, राइट। इन दिस वे वी हैव प्रूव ट्राइंगल ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी।